हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो वैसे नॉर्मली मैं मेरा उठने का टाइम है 12 बजे, लेकिन आज थोड़ा जल्दी उठ गया हूँ। तो मेरा फेवरेट ब्रेकफास्ट पोहा खाने में जा रहा हूँ। क्या है कि अगर लेट से सो के उठो तो नसीब नहीं होता है पोहा, और शाम में कोई पोहा बनाता नहीं है, तो सुबह सुबह ही वैसे टेस्ट आता है ज़्यादा। तो मैं सोचा कि चला जाए, और जब भी मैं सुबह सुबह उठ जाता हूँ तो डेफिनेटली मैं जाता हूँ पोहा खाने। यहीं पर ज़्यादा दूर नहीं है मेरे रूम से, अशोक नगर चौक मात्र 500 मीटर में होगा, तो वहाँ पर मेरे को मिल जाएगा फ्रेश। और परफेक्ट टाइम में जा रहा हूँ, उस दिन मैं थोड़ा जल्दी निकल गया था। तो हाँ, पोहा खिलाइए। गवैया समोसा स्वागत है। तो समोसा बना नहीं है फिर, अभी बन रहा है। समोसा पकने आपका स्वागत है। धन्यवाद। और क्या सेवा करूँ आपकी? नहीं, ज़्यादा मत डालिएगा, सिर्फ मटर डालिएगा। बताइए ना जितना क्या बोले। थोड़ा सा बस। मिर्ची चटनी डालू? हाँ थोड़ा सा इसको भी। अब समोसा के लिए स्पेशल है बोल रहा हूँ। आपका स्वागत है सर, है ना, इसलिए नाम ही रख। नहीं मतलब अच्छा होगा, मतलब इन सभी चीज़ों से ये ज़्यादा बेहतर आप बना लेते होंगे बोल रहा हूँ, इसलिए नाम में ही आपने समोसा डाला है तो इसलिए मैं बोला है ना। नहीं बड़ाई वाली बात नहीं है, मतलब एक होता है ना कि मैं अच्छा बना लेता हूँ। हाँ मुझे गर्व है, इस बात पे घमंड नहीं है, है ना। आपके आशीर्वाद से मस्त। सर मैं कहाँ, हमारी अच्छी दुआएं हैं। ये कितना टाइम का बना है जलेबी? और अच्छा एकदम ये कलर लेस है, मतलब इसमें आपने कोई कलर अलग से डाला नहीं है, इसलिए नेचुरल दिख रहा है। मैं कुछ ये सादा जलेबी एकदम फाइन। तो मैं समोसा का वेट कर रहा हूँ। नहीं हो गया सर, मैं 2 मिनट सर। नहीं अच्छा पक ले, मैं वेट कर लूँगा। अच्छा ना, अगर ये गवैया आलू बंडा रहता तो मैं आलू बंडा खाता। नहीं आलू बंडा सब बनता है ऐसा बात नहीं, नहीं वो तो ठीक है, लेकिन आपने टाइटल में लिखा है ना, जो मेन नाम है आपका समोसा है, तो मैं समोसा खाऊंगा फिर। अगर आपने लिखा रहता गवैया आलू बंडा, भले आप समोसा बनाते तो मैं आलू बंडा खाता, ये बोलना चाह रहा था। एक बोतल पानी मुझे भी देना। आधे घंटे में माहौल बन जाएगा ना यहाँ पर। मैं उस दिन आया था, मैं तो बहुत ज़्यादा भीड़ था, शायद उस दिन मैं लेट में आया था, हो सकता है। नहीं मैं आया शुरू यहाँ पर तो खाली था सुर, सबसे शुरू तो मैं उधर चला गया है ना, फिर जब उधर से आया ना तो यहाँ पर सब सेटल था। उस दिन मैं पोहा खाया था और आलू बंडा लेके गया था। चाय बिल्कुल स्वागत। तो आप चाय नहीं बना रहे हैं? चाय नहीं सर, चाय बनाऊंगा सोमवार से, सोमवार चालू हो जाएगा। ठीक है। नमक तो इसमें जो आपका चटनी है ना, चटनी थोड़ा मेरे को कमज़ोर लगा, बाकी ठीक था। वो जो पीसी वाला जो रहता है ना चटनी, उसमें ना मिर्चिया का ना ओरिजिनल टेस्ट आ पाता है। नहीं, बात क्या, इसमें ऐसा लगा कि ना जो पाउडर आता है ना उसको पीस के बनाया गया है। ये क्या मालूम? हाँ हाँ तो आज लाइन गोल है। अच्छा पूरा काम का लाइन गोल हो गया फर्स्ट एकदम। हाँ हाँ कुछ काम किया नहीं, दिमाग का जा गया काम चलना। तो ये जो मिर्ची का जो चटनी बनाए हैं आप, ये कैसे बनाए हैं? अच्छा लगे ना, थोड़ा गर्म होने दिए, वो गर्म होगा उसमें अच्छा कैसे। ये गर्म होगा? अच्छा मेरे को क्या लगा ना, जैसे कि पीसी मिर्ची आता है ना तो उसका पानी और नमक में घोल के थोड़ा ऐसे दे दिए टाइप से लगा। उस दिन का ज़्यादा अच्छा था। तो गवैया समोसा का समोसा खाएंगे अभी, क्या कि पक रहा है लेकिन 5 मिनट लगेगा, उसके बाद तैयार हो जाएगा, उसके बाद टेस्ट करते हैं इनका समोसा। मैं थोड़ा सा जल्दी आ गया इसलिए अभी कुछ कुछ पका नहीं है, बाकी पोहा तो बहुत बढ़िया था। बता रहा हूँ कि आपका पोहा बहुत सॉलिड था, और समोसा का वेट कर रहा हूँ मैं। हाँ और भैया बता रहे हैं कि 7-8 साल हो गया यहीं पर समोसा बनाते हुए ना भैया।
खुशबू जबरदस्त है भैया आपके पोहा की। जो पोहा ना मतलब जैसे एकदम घर में बन के एकदम थाली में प्लेट में आता ना वैसे ही लग रहा है उसका खुशबू। धनिया वनिया आपने बढ़िया डाला है तो दिख भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये मटर का ये है नहीं, ये न्यू अशोक नगर चौक है ये, और जो पुराना अशोक नगर चौक है वो इस साइड से आगे है, मतलब यहाँ से 100 मीटर आगे है, उसको बोलते थे अशोक नगर चौक जो पुराना वाला था, अब ये चौक कहलाता है नया अशोक नगर चौक। तो वहाँ पर जो लेकिन बोर्ड लगा है वहाँ पर आप देखेंगे महर्षि दयानंद चौक लिखा है यहाँ पर, अशोक नगर चौक के नाम से जाना जाता है। इसी जो रोड है जो सामने वाला रोड, इस रोड से जाते हैं DLS कॉलेज और DP लॉ कॉलेज। तो DLS कॉलेज जाएंगे सीधे तो मिल जाएगा, और उसके बाद यहाँ से थोड़ा सा आगे जाके टर्न आउन राइट लेंगे थोड़ा सा तो DP लॉ कॉलेज। ये पेट्रोल टंकी है आर के पेट्रोल पंप, और ये भैया की दुकान श्री साई सेंटर, पान वान की दुकान है। वैसे मैं पान नहीं खाता तो लूँगा नहीं। नहीं नहीं वो कर दीजिए, बस मेरे को दे दीजिए मैं खा लूँगा। चाय भी आ गया क्या? तो चाय पी लेते हैं पहले फिर समोसा खा लेंगे। स्पेशल भैया ने मेरे लिए चाय मंगा दिया है, मैं वेट कर रहा था समोसा का, तो चाय पी लेता हूँ पहले फिर उसके बाद समोसा, फिर उसके बाद चलेंगे थोड़ा फ्रेश फ्रेश होकर काम स्टार्ट करेंगे। वाह चाय तो गजब है भैया, चाय आपने बहुत कड़क एकदम बढ़िया मंगाया है, मज़ा आ गया। मेरे को मीठा चाय बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए ये चाय मुझे फर्स्ट बाइक में ही पता चल गया कि वाह बढ़िया है, और चाय का मज़ा सिप सिप करके पीने में है, जस्ट लाइक आई विल शो यू। ओ वाह चाय में अगर मिठास नहीं रहती तो मेरे को चाय का मज़ा नहीं आता, और छोटा था तो मम्मी मेरे को एक गिलास चाय देती थी एकदम मीठा चाय, मतलब होठ चिपक जाते हैं ऐसे बोलते थे मेरे मामा, ऐसे इतना मीठा। बस इसी टाइप से जो माहौल रहता है ना उसका इंतज़ार कर रहा था मैं, 10 मिनट लगा है बनते हुए। तो मेरे को ना एक काम करिए, अब समोसा को ना मैं रूम में ले जा के खाता हूँ। हाँ भाई दो दे दीजिए समोसा, और मिर्ची डाल दीजिए 3-4। मिर्ची ज़्यादा नहीं होगा? हाँ नहीं, मिर्ची का तो बड़ा शौकीन हूँ मैं। उसमें नमक आपने वो कर दिया है ना? नहीं है, नमक लगा तो पानी हो गया। अच्छा मेरे पास, चलो ठीक है। खट्टा मीठा सर? खट्टा मीठा नहीं, खाली मिर्ची। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अशोक नगर वालों गवैया समोसा जरूर आओ। नहीं जी चौक पे है बढ़िया, एकदम तुरंत बनाया है मेरे सामने। और आप सर चाय भी पिलाए हैं आप? नहीं रखे सर। रखिए ना सर। चलिए ठीक है, तो भैया ने चाय पिला दिया, बताओ। ठीक है सर जी आते फिर। चलिए आपका स्वागत है, धन्यवाद। तो अब यहाँ से चलते हैं, समोसा ले लिया है मैंने, सीधा रूम जाके पहले तो समोसा खाऊंगा मैं, वो भी तली मिर्ची के साथ, शानदार एकदम शानदार। जब मैं रायपुर में था सन 2014 की बात है, तो सेक्टर 27 नावागांव में रहता था मैं, और वहाँ शाम को इतना मतलब तुरंत जो समोसा निकलता है ना, फिर उसके बाद उसको तुरंत सर्व करते थे, सूखी वाली मिर्ची को तल के देते थे, तो वो एक स्वाद था। ये भी एक स्वाद है, तो
पहुंचता हूं मैं रूम। तो मेरे लिए तो हर दिन दिवाली है। अरे ऐसे नहीं भाई, मतलब ये हर दिन तो नहीं बोलूँगा, मेरे पास स्टॉक में रहता सोन पापड़ी ज़रूर, और सोन पापड़ी चलता है दीपावली के समय बहुत ज़्यादा। तो दीपावली के जैसे ही मैं सोन पापड़ी रखा रहता हूँ हमेशा, और जब नाइट टाइम हो जाता है काम वाम करके तो एक एक बाइक लेते रहता हूँ मैं मीठा मीठा, मुझे मीठा बहुत ज़्यादा पसंद है। अब पहुँचने वाले हैं रूम, उसके बाद इंजॉय करता हूँ। थोड़ा सा फ्रेश नहीं हुआ हूँ मैं, मतलब नहा धो के काम करने के लिए, तो काम करने से पहले नहा के एकदम रेडी।